यूट्यूब ऐप पर घंटी बजाओ और खबरें अभी तक की हर खबर की अपडेट पाओ। सतलुज यमुना लिंक के निर्माण के लिए पिछले 14 महीने से कर रहे आंदोलन पर हरियाणा प्रमुख विपक्षी इनेलो ने बड़ा दांव खेल दिया है। विधानसभा में विपक्ष के नेता अभय सिंह चौटाला ने SYL नहर, दादुरपुर नलवी और मेवाल कोनाल को लेकर केंद्र व राज्य सरकारों पर दबाव बनाने के लिए 7 मार्च को दिल्ली में हो रही रैली में BJP व कांग्रेस के विधायकों को भी बुला लिया है। हरियाणा में नए टाइगर यानी पुलिस महानिदेशक की तलाश शुरू हो चुकी है। इस पद को चाहने वाले IPS अधिकारी जहां सरकार का भरोसा जीतने की कोशिश में लगे हुए हैं, वहीं राष्ट्रीय समय सेवक संघ के नेताओं से भी मेलजोल बढ़ाना शुरू कर दिया है। आधा दर्जन IPS अधिकारी इस दौड़ में लगे हुए हैं। पुलिस की भाषा में पुलिस महानिदेशक को टाइगर कहा जाता है। हरियाणा की मशहूर डांसर और सिंगर गौरी रानी पुलिस के हत्थे चढ़ गई है। दरअसल गौरी ने 21 फरवरी को अपने दोस्तों के साथ मिलकर झज्जर निवासी एक व्यक्ति को गोली मारी थी, जो फिलहाल रोहतक PGI में जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहा है। हरियाणा के आदमपुर क्षेत्र में एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जिसमें 12 साल के एक बच्चे के साथ दुष्कर्म हुआ है। दुष्कर्म को 3 लोगों ने एक साथ मिलकर अंजाम दिया है। दरअसल वो बच्चा खेतों से काम कर वापस आ रहा था, जिसके बाद 3 युवकों ने उसको पकड़कर उसके साथ दुष्कर्म कर दिया। बच्चे के परिजनों ने पुलिस से शिकायत की, जिसके बाद पुलिस ने उक्त कार्रवाई करना शुरू कर दिया है। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड भिवानी के अगले माह से 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं शुरू होंगी। परीक्षाओं के लिए नकल पर नकेल कस ली गई है। इस बार तैयारी इस तरह की गई है कि परीक्षा केंद्रों में परिंदा भी पर ना मार सके। खास बात यह है कि शिक्षकों व अध्यापकों को इस तैयारी के बारे में कुछ नहीं पता चल सकेगा।